दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती, वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं हस्तमैथुन के लिए मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं, वहां पर कुंवारी लड़कियों का कौमार्या भंग करने के लिए यानी कि उनकी सील तोड़ने के लिए सरकार यहां के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करती है। जी हां दोस्तों, जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसका नाम है अमेरिका। दरअसल अमेरिका के वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित गुआम में पुरुषों का पूर्ण रूप से यही काम है कि वे पूरे राज्य में घूमें और वर्जिन युवतियों का कौमार्य भंग करें। वहां के लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी लोग ही प्रदूषण फैलाते हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है और इसके बाद लॉस एंजलिस और शिकागो का नंबर आता है। 1867 में अमेरिका ने अलास्का के लिए रूस को केवल $72 लाख दिए थे, जो कि आज के हिसाब से ₹1 प्रति एकड़ बनता है। अलास्का क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका की 32% भूमि पर सरकार का नियंत्रण है। अमेरिका की पहली राजधानी न्यूयॉर्क ही थी, मगर बाद में वाशिंगटन DC कर दी गई। अमेरिका सबसे ज्यादा मोटापा ग्रस्त देश है। इसकी 33% आबादी मोटापे का शिकार है। अमेरिका में आप 16 साल की आयु होने पर ही कार चला सकते हैं, 18 का होने पर पिस्तौल रख सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, और 21 साल का होने पर ही शराब खरीद सकते हैं। अमेरिकी लोग दुनिया में किसी भी और देश के मुकाबले सबसे ज्यादा आइसक्रीम खा जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित गुआम शहर में पुरुषों का पूर्ण रूप से यही काम होता है कि वे पूरे राज्य में घूमें और वर्जिन युवतियों का कौमार्य भंग करें। इतना ही नहीं, ये युवतियां उन पुरुषों को जीवन का पहला सेक्स अनुभव प्रदान करने के लिए पैसे भी देती हैं। आप यह बात जानकर हैरान रह जाओगे कि यहाँ पर कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती। यहाँ शादी के समय कोई भी लड़की वर्जिन नहीं होती। यहाँ लड़कियाँ पहली बार गुआम के पुरुषों के साथ ही सेक्स करती हैं। उसके बाद ही वो अपने पति या और किसी से सेक्स करती हैं और ऐसा करने के बाद ही उनकी शादी होती है। अमेरिका के कानून के अनुसार अमेरिका में कोई भी लड़की शादी से पहले बच्चे को जन्म दे सकती है, और यही वजह है कि वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। अमेरिका में 4 करोड़ से भी ज्यादा पोर्न वेबसाइट हैं, जिनका इस्तेमाल हर रोज अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर से भी कहीं ज्यादा होता है। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए किसी भी इंसान को ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय लगता है, मगर किसी भी अमेरिकन से शादी करने के बाद वहाँ पर कोई भी 3 साल के अंदर ही अमेरिका की नागरिकता पा सकता है। अमेरिका की करेंसी US डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस करेंसी है। यहाँ का $1 हमारे इंडिया के 66 रुपए से लेकर 70 रुपए के बराबर है। अमेरिका में रहने वाले हर 8 लोगों में से एक व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आप सभी जानते होंगे, मगर बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका को 884 में गिफ्ट किया था। आज के समय में बहुत सारे इंडियन लोग अमेरिका में रहते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि 1924 तक किसी भी इंडियन को अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं था। यहाँ के लोग हर दिन काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग अपने इनकम को केवल 1% ही सेव करते हैं। अमेरिका के लोग हर साल 30 लाख करोड़ रुपए जुआ में उड़ा देते हैं। आज के समय में अमेरिका पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। अमेरिका के लोग पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं, और यही वजह है कि वहाँ के लोग अपना 90% समय अपने घर पर ही बिताते हैं। दोस्तों, अमेरिका एक सर्वे के मुताबिक केवल 12% लोग ही अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं। 88% लोग का यह कहना है कि वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से कभी खुश नहीं हुए। तो दोस्तों, अमेरिका के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें
कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।